मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष मिशन 2023 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, लेकिन दिग्विजय अपने बयान पर अड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सेना के खिलाफ बोलेंगे ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, देश में सियासी बवाल। दिग्विजय सिंह जब जब बोलते हैं कुछ बड़ा बोलते हैं, और ऐसा बड़ा बोल देते हैं कि बवाल खड़ा कर देते हैं। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के बाद आर्टिकल 370 पर भी ज्ञान दे दिया। जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। हुकूमत यहाँ का फैसला नहीं कराना चाहती है, यहाँ की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। ये समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही, और लोगों में हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब इसी साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है। दिग्विजय सिंह का बयान ठीक ऐसे समय आया है जब कांग्रेस अपनी जंबो टीम बनाकर चुनावी तैयारी में है, तो दिग्विजय अपने बयानों से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल मार रहे हैं। दिग्विजय के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। तो वक्त चुनाव का है और दिग्विजय सिंह के बयान से सियासी तनाव है। दिग्विजय के बयान ने हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। मुद्दा भी एक नहीं, बल्कि एक साथ कई मुद्दों पर विवादित बयान देकर बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।